नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग्स मैंने एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस पे बनाई है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको अपने प्रॉब्लम मुझे भेज सकते हैं, मुझे टाइम मिला तो हम इस पर वीडियो बनाए दें। तो हमारे पास एक हमारे स्टूडेंट है मिस्टर रजनीकांत, जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन भी किया है और उनकी बड़ी प्रॉब्लम भी मैंने कई बार उनको सॉल्व किया था। तो उन्होंने देखा कि क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्लासेस को ज्वाइन भी किया है। अब एक ही प्रॉब्लम क्या है, इनकी दो प्रॉब्लम है। बेसिकली इनका एक डेट है, जैसे 24/28/1982। ये क्या करना चाहते हैं, जो डेट है इस डेट को ये ऐड करना, इस डेट को उस डेट के अंदर जो न्यूमेरिक है उसको ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि 28 है तो 28 इक्वल टू 2+8, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको भी अपने में ऐड करके आप 1 करना चाहते हैं, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो ईयर में जोड़ के फिर यहाँ पे ईयर चेंज करना चाहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे, जो भी डेट है उनके जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको एक ऐड करके रिजल्ट देना चाहते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा ऐड होने के बाद उसके भी जितने डिजिट है उनको ऐड करके फिर वो रिजल्ट चाहते हैं। तो चलिए इस इनकी प्रॉब्लम के बारे में हम एक बार डिस्कस करें। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर डेट लिखता हूं, आज ही का डेट डाल दिया, आज का डेट होना। तो उससे पहले हम समझेंगे कि जैसे किसी भी नंबर को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है सम, मिड, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, दो डिजिट फिक्स है तो 1 and 2। मल्टीप्लाई बाई 1, आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो रिजल्ट आपका सेव है, ठीक है। बट यहां पे कैसे होगा, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। टेक्स्ट में हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं 2 बार DD, तो डेट को अलग कर देगा, डेट अलग हो गया। अब इसी को यहां पे इक्वल करते हैं मिड, और सॉरी सम और मिड जो होता है सम, और यहां पे सिलेक्ट करते हैं मिड, और यहां पे हम देते हैं कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 और 1, देन मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल से, तो रिजल्ट 8 आया। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो 10 आए तो 10 को आपस में सम कर, यहाँ पे 8 आया। अब फिर यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ लेन, अगर इसका लेन ग्रेटर देन 1 है तो वापस इसमें वो सम करने का फॉर्मूला चाहिए, सम मिड, इसको सेलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड कॉमा 1। मिड रिजल्ट देता है नंबर में, इसलिए हम यहाँ पे फिर एंटर मार, अदरवाइज हमने बोला जैसा है वैसा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कर देता हूँ डेट चेंज, जैसे कि यहाँ पे है ना 28 है, 29 ही कर देता हूँ मान लीजिए, चलो रिजल्ट आया 2। अब ये अलग अलग सेल में है तो इसको हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि
यहाँ ए टू की जगह पे डेट जो है डला है वही रहेगा, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसमें जहां हमने बी टू लिया है उसके अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं। फिर इस सम को कॉपी करते हैं और इसके जगह पे सी टू की जगह पे इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी एंटर, और फिर इसको कट करके जहां रखना है वहां पर। ये हमारा पावर फॉर्मूला फाइनल हो गया। अब बात करते हैं दूसरी कॉलम कि जितने भी डेट है उन सबको ये ऐड करना चाहते हैं। इसी डेट को ले लेते हैं और हम सेम टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसको, क्योंकि ये नंबर डिजिट में तो अलग होगा नहीं, क्योंकि ये दिखता आपको इस तरह से है बट एक्चुअल में जो है वो नंबर है, तो सम होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इक्वल टेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पे HH/MM/SS माफ कीजिएगा गलती हो गई, हमें देना होगा DD/MM/YYYY 4 times इसमें डेट का फॉर्मेट में। ये जरूरत नहीं है इसको सिमिक आ गया। फिर जो फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया वो यहां अप्लाई कर, तो मिड यहां पे सम मिड और उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, कितना डिजिट है 2, 4, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको डायनेमिक किया जा सकता है लेकिन हम वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो अभी मैं नहीं बताएंगे। हमारा एरे का वीडियो आप देखिए वहां पे आपको दिख जाएगा इसका जो डायनेमिक है वो चीज, और कॉमा 1 फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर 28 और इसी फॉर्मूला को अगेन हम लगा देंगे, तो इसी में लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। सम मिड और हमने यहां पे कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 दो ही डिजिट आएगा कॉमा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कॉमा मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल शिफ्ट, तो रिजल्ट हमारा फुलफिल हो। अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम बोला है कि हाउ कैन इंसर्ट कैलेंडर इन एक्सेल, इंसर्ट कैलेंडर, तो कैलेंडर के बारे में दिया गया है। तो देखिए कैलेंडर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेवलपर टाइप के अंदर में आपके पास टूल्स मिल जाए, यहां पे आपके कैलेंडर कंट्रोल आ गया एंड ओके करें और इसको डिजाइन करें, यहां आप रखना चाहते हैं। अब इसका डेट कहां पर रिजल्ट आना चाहिए तो मैं चाहता हूं C7 में आना चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए कोड आ जाएगा और यहां पे रिजल्ट दे दीजिए कि C5 छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा C5.range.C7.value=, ये कैलेंडर वन दिख रहा है ना, =1.value बस इस लाइन में कोडिंग कर दीजिए, डिजाइन मोड भी यहां से हटा दीजिए। अब यहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो मैंने रजनीकांत जी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब बात रही आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन कर दें,
उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे मेल आई डी डिस्कशन में लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी सॉल्यूशन में कब पे रिप्लाई करूंगा ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे 30,000 सब्सक्राइबर है और मेरे डेली डेली जो 1000 से 1500 मेल आते हैं, तो दिन भर में, और इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 17-18 घंटे की क्लासेस भी होती है, तो रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल पे मैं तुरंत जवाब देता हूँ। जो फोन पे समझाने लायक होगी मैं समझा दूंगा, लेकिन आप रिजॉल्व चाहिए तो दिक्कत। हाँ, आपको अगर मेरे साथ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 हम लोग जूम ऐप और गोटू मीटिंग के जरिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो आप मेरी क्लासेस को लाइव इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाए कर सकते हैं, डीवीडी परचेज करने के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए और मेरी पूरी डीवीडी सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।